गाइस बात करते हैं रोमर रेंज के न्यू इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में, साथ साथ बात करेंगे अपने ट्रिपल एच ने जो अपने समर स्लैम के लिए जो चेंजेस किए उसके में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे फिन ब्रेवाइट ने एक बार फिर से और एक टीज कर दिया, उस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमर रेंज के न्यू पोस्ट के बारे में। वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एक पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं कि ओनली वन मेन इवेंट हैशटैग विद वन, यानी कि रोमर जो मंडे नाइट रॉक के जो एपिसोड के जो आते हैं और उस पर जो एक वहाँ पर उनका जो ग्रुप फोटो होता है ब्लड लाइन का उसी को पोस्ट कर दिया। लिखते हैं कि ऑल द मेन फॉर ऑल बेस्ट मेन इवेंट और लिखते हैं हैशटैग विन द वन, यानी खुद को रोमर इज बिगेस्ट मेन इवेंट कंसिडर कर रहा है अभी के लिए क्योंकि उनका मैच भी होने वाला है। शायद हाइप कर दे, शायद इसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा लेकिन अपडेट करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी ज़्यादा बदलाव रहते हैं समर स्लैम के लिए। अब बात करते अपने गेम असायर ट्रिपल एच के बारे में। इस ट्रिपल एच ने कुछ सारे बैटिंग आउटसाइड जो ऑफिशियल जो सोर्सेज है न्यूज़ के वो कंफर्म करे कि समर स्लैम की मैच कुछ एंडिंग में कुछ बदलाव आ चुका है क्योंकि जिस तरह से विंस मैकमैन ने अपनी रिटायरमेंट ली और शायद अपने ट्रिपल एच ने जिस तरह से टेक ओवर ले लिया डब्ल्यू ई के ऊपर जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं अभी के लिए, ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम की एंडिंग में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि इस बार विंस मैकमैन ने ट्रिपल एच मैच से प्रोड्यूस करने वाले ये मैच, इसलिए काफ़ी बड़े चेंज आएंगे इस मैच में। और खुद सारे ऑफिशियल सोर्स है जो कंफर्म करे कि समर स्लैम की एंडिंग यानी कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर वही मैच होगा और सबसे बड़े धमाके हमें देखने को मिलेंगे, शायद सबसे ज़्यादा रिटर्न भी हमें देखने को मिलेंगे इसी मेन इवेंट रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर इस मैच में हम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मैं फिंड ब्रे सिक्स वाइट के बारे में। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट का वो डीपी है वही चेंज करते, वो डीपी भी काफ़ी अनोखा है क्योंकि वो सीधा सीधा लिंक हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट समर स्लैम के साथ क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट करते हैं, वहाँ पर हमें देख उस पोस्ट सॉरी डीपी में देखने को मिलता है कि बीच है, उसके पीछे माउंटेन है, उसके पीछे समर है, यानी कि समर मतलब अपना वही धूप निकला हुआ सूरज वाला जादू वाला सूरज वो सब दिखाया जा रहा है, यानी कि सीधा से रेफर कर रहा है समर को। और वो पीछे जो माउंट है वो नैशविल के जो वहाँ पर एक माउंटेन है माउंट नैसोरी उसको रेफर करने की समर स्लैम पता नहीं किस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि वो समर स्लैम रिटर्न करेंगे, बताना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कहाँ से कोई भी बड़ा बम फट सकता है कि फिंड ब्रे वाइट रिटर्न करेंगे, ऐसे छोटी छोटी जैसे हमें पता नहीं पड़ता है वीडियो में, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि फिंड ब्रे वाइट ने ऐसा चेंज किया अभी के लिए।